हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल्स। जैसे कि आप लोग ने देख लिया होगा, यहाँ पे हम ग्रिड लाइन यूज करके आउटलाइन ड्रॉ कैसे करना है उस चीज़ को बताएंगे। तो सबसे पहले हम बता देते हैं कि ग्रिड लाइन के यूज करना है, कोई भी एकदम आसानी से यूज करके कोई भी पिक्चर को आप इजिली ड्रॉ कर सकते हो। ग्रिड लाइन इतना आसानी एक ग्राफ है जिसके चलते आप ग्राफ पेज पे बनाकर उसके आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। सबसे पहले ग्रिड लाइन मिलेगा कहाँ से, तो सबसे पहले जाइए प्ले स्टोर पे। प्ले स्टोर पे जाने के बाद प्ले स्टोर का जो ग्रिड लाइन सर्च करें, ग्रिड लाइन सर्च करने के बाद बहुत सारा ऐप आ जाएगा। ऐप आने के बाद कोई भी एक ऐप को इंस्टॉल करिए और जो पिक्चर आपको बनाना है उस पिक्चर को उस ऐप में ग्रिड लाइन ड्रॉ कर दीजिए। अगर ग्रिड लाइन ड्रॉ कर देते हैं तो मान लीजिए उस पिक्चर पे जो भी पिक्चर हो उस पे 14 ग्रिड लाइन होता है, तो उस 14 ग्रिड लाइन को आपको पेज पे डालना है, उस पेज पे जिस पेज पे आपको स्केचिंग बनाना हो। तो सबसे पहले पेज को ले लेते हैं। मान लीजिए कि यही एक पेज है, मान लीजिए ये एक पेज है। इसको अगर मेजरमेंट करते हैं तो मान लीजिए 30 सेंटीमीटर का होता है, तो हमको 14 ग्रिड लाइन आया जो ऐप में हम निकाले हैं। तो 14 लाइनिंग हमको बनाना है ऐप में जितना लाइनिंग है, लेकिन इस पेज का साइज तो 30 है, तो स्केल से नापे तो 30 सेंटीमीटर हुआ इसका। तो इस 30 सेंटीमीटर पे 14 ग्रिड लाइन ड्रॉ करना है, तो अगर दो दो सेंटीमीटर का करते हैं तो 14 दूनी 28 सेंटीमीटर का हो जाता है। फिर भी 2 इंच बच गया, 2 सेंटीमीटर बच गया सॉरी। तो अगर 2.5 कर देते हैं तो 14 दूनी 28, 28 7 हो जाता है 35, लेकिन मेरा पेज का साइज है 30। तो सबसे पहले यहाँ पे मेजरमेंट करेंगे, 2-2 सेंटीमीटर 30 कर देंगे, 14 दूनी 28 और 1 इंच उधर से छोड़ देंगे, 1 इंच इधर से छोड़ देंगे, तो हमारा जो यहाँ पे है बीच में हमारा पिक्चर हो जाएगा। तो कोई भी परेशानी भी आपको नहीं होगी। तो इस तरीका से आप ग्रिड लाइन का यूज कर सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे पिक्चर में दिखा देंगे कैसे यूज हो रहा है। तो ग्रिड लाइन बहुत ही आसान है कोई भी पिक्चर को ड्रॉ करने के लिए, आप लोग आसानी से इसे ड्रॉ कर सकते हो। आई होप कि आप सबको ये सब समझ में आ रहा होगा। तो अभी हम ग्रिड लाइन का जो भी यूज है उसको हम पेज पे दिखाएंगे, कैसे पेज पे यूज किया जाता है, कैसे दिखाई देता है, तो हम स्टेप बाय स्टेप उसको मेजरमेंट करके दिखाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं पेज पे कैसे ग्रिड लाइन से हम बनाते हैं। ओके, सबसे पहले एक पेज ले लेंगे, पेज के हिसाब से हम इसको ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमको एक हल्का चलने वाला कलम चाहिए, पेंसिल चाहिए और एक ये चाहिए, स्केल चाहिए। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं ये पेज किस साइज का है। इस फिगर में हम लोग देखे हैं यहाँ पे, तो इसका साइज 14 आ रहा है। ग्रिड लाइन मतलब इस साइड से 14 हमको लाइन इस पे हमको हटा देना है, कैसे हम मिला दुला के 14 कर देना है। तो ठीक है, तो अगर हम 14 अगर 2-2 इंच 2-2 यहाँ सेंटीमीटर कर लेते हैं तो हमारा टोटल ये है 27 सेंटीमीटर का है, टोटल ये 27 सेंटीमीटर का है। अगर 2-2 हम लेते हैं तो 14 दूनी 28 हो जाता है, लगभग हो जाता है। अगर थोड़ा सा इसको इस साइड कर देते हैं, आधा इधर कर देते हैं, तो 28 तक कंप्लीट हो जाता है, मतलब इस लाइन पे 28 आ जाता है। तो मेजरमेंट लगभग ठीक है, तो हम 2-2 सेंटीमीटर पे ग्रिड लाइन का यूज करेंगे इस पे। तो 2-2 सेंटीमीटर पे इस पे आधा इंच इधर से छोड़ के 2-2 सेंटीमीटर का हम ग्रिड लाइन यूज करेंगे। अब इधर से 2 सेंटीमीटर हो गया, अब इस साइड भी 2 सेंटीमीटर करेंगे, 2-2 सेंटीमीटर पे, जो कि हमारा सही है। ये 2-2 सेंटीमीटर पे चारों तरफ से कर दिया। अब इधर से जो 2 सेंटीमीटर पे किए हैं इस साइड से भी हम 2 सेंटीमीटर पे ही करेंगे। तो इधर से 2 सेंटीमीटर पे ये लगा दिए हम इस साइड से, इस साइड में 2 सेंटीमीटर लगा दिए। ठीक, अभी सबको मैच करेंगे। जैसे इस साइड से ये लाइनिंग है, इस लाइन तक आ रहा है, इसको हम ग्रिड लाइन एक लाइनिंग शो करेंगे। अभी सेकेंड वाला ग्रिड लाइन का लाइन दिखाएंगे। What does it feel like a dreaming?
यहाँ पे गाइडलाइन कंप्लीट होने के बाद इसको नंबर दे देंगे 1, 2, 3, 4 या ABCD करके अल्फाबेट में नंबर यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे कंप्लीट हो चुका गाइडलाइन, अब हर एक नंबर के बीच में जो ये नंबर दिया हुआ है उस पर हम लोग ड्रॉ करेंगे, आउटलाइन ड्रॉ करेंगे। जैसे यहाँ पे 5-6 के बीच में आई था तो उसको हम ड्रॉ कर दिए, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों साइड से मेजरमेंट करेंगे, उसके बाद ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे आई ड्रॉ हो गया, नोज ड्रॉ हो गया, अब सेकंड वाला आई ड्रॉ करते हैं। ऐसा ही करके हर एक फेस यहाँ पे, फेस का हर एक पार्ट यहाँ पे ड्रॉ कर दिया जाएगा। जैसे आईब्रो यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, ऐसा ही करके सब चीज़ यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे एकदम आसानी से। वीडियो को फास्ट किए हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत टाइम लग जाएगा बनाने में, जो समझाना था उतना समझा दिए। अब यहाँ पे इस सब चीज़ को समझिए और ऐसे ही करके अपना आउटलाइन ड्रॉ करिए।
आई होप कि आपको ये सब समझ में आया होगा। मिलते हैं इसके फिनिशिंग करने के लिए अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।